जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अब दिल्ली के अंदर राज्यपाल मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना करेंगे, यानी कि दिल्ली सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्हें उनके बनाए हुए नियम कायदे मानने पड़ेंगे, उनके निर्णयों को स्वीकार करना पड़ेगा, यानी राज्यपाल दिल्ली सरकार के अधीन काम करेंगे। ये एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरह से दिल्ली को एक अलग राज्य का दर्जा देने के लिए, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा, जिसकी वो मांग कर रहे हैं, लगभग उसके बराबर के अधिकार उनको दिला देती है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके अधिकारों में वृद्धि जरूर करता है, और जैसे ही ये निर्णय आता है उन्होंने अपने तेवर भी जरूर दिखा दिए। ऐसे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात जरूर बता देता हूं कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर भी एक नए दंगल की शुरुआत जरूर होगी, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली है उसमें अगले 1.5 से 2 सालों के लिए एक नए संघर्ष की परिस्थितियां जरूर बन रही हैं। वर्तमान का समय 1 जुलाई तक वो भी ठीक नहीं है। इस समय पर कुछ निर्णय ऐसे आ रहे हैं जो हर हाल में लोगों को थोड़ा विचलित भी कर रहे हैं, चौंका भी रहे हैं, चाहे वो समलैंगिक विवाह पर हो, दिल्ली पर एलजी के अधिकारों को सीमित करने की बात हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर इमरान की गिरफ्तारी की बात हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरह के अभी केस चल रहे हैं वो बात हो। यानी ये परिस्थितियां खाली भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस तरह की परिस्थितियां जरूर पैदा करेंगी, क्योंकि गुरु चांडाल योग भी है, षडाष्टक योग भी है, और अभी 1 जुलाई तक इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 जुलाई तक मंगल भी अपनी नीच राशि में रहेगा। महाराष्ट्र का निर्णय भी आपने देखा है, अभी बहुत कुछ वहां भी होना बाकी है, अभी कर्नाटक के चुनाव भी आने बाकी है। इसीलिए घटनाक्रम तो अभी रोज नए बदलते रहेंगे और आप उसका आनंद भी जरूर लेंगे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही है। लेकिन जो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली सरकार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, निसंदेह ये किसी भी हालात के अंदर परिस्थितियों को बिगाड़ने वाला है, एक नए टकराव की स्थिति पैदा करेगा। और इस नए टकराव की स्थिति के अंदर एक विचित्र बात यहां जरूर होगी, और वो ये कि वार और प्रतिवार दोनों घातक होंगे। ऐसे में एक नए टकराव की शुरुआत दिल्ली के अंदर जरूर होगी, और यदि इस टकराव के अंदर हमने उन चीजों का अनुसरण नहीं किया जो हमारे शास्त्र ग्रंथों में वर्णित है कि किस तरह की किस परिस्थिति के अंदर क्या निर्णय होने चाहिए, तो निस्संदेह यहां परिस्थितियां विचित्र जरूर होगी। और इस तरह की परिस्थितियों का समाधान क्या है, यह हमारे शास्त्रों में बहुत आसानी से दिया गया है, दर्शाया गया है। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर आपके सामने बात रख देता हूं। भगवान राम के समय भी एक परिस्थिति पैदा हुई थी कि बाली का वध करना था, लेकिन बाली के पास एक शक्ति थी कि उसके सामने जो भी युद्ध करने जाता था उसकी आधी शक्ति वो ले लिया करता था। तो ऐसे में भगवान राम सीधे उसके सामने जाकर युद्ध नहीं कर सकते थे, तो यहां पर सुग्रीव को भेजा गया और भगवान राम ने छुप करके बाण मारा। बर्बरिक के बारे में भी आप लोग जानते हैं, खाटू श्याम जी जिनके संदर्भ में आप जानते हैं, वो भी बड़े शक्तिशाली थे, वो जिस तरफ युद्ध करते उस पक्ष का जीतना तय था, और उन्होंने तय किया कि वो कौरव की तरफ से युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर उनसे शीश का दान करवाया, यानी कि शीश मांग लिया, और आज वो खाटू श्याम जी के नाम से फेमस है। इसी तरह से दर्शक को हर कालखंड के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी जरूर पैदा होती है जहां परिणाम बदलने की बहुत बड़ी क्षमता उस समय पर कहीं एक जगह केंद्रित होती है, लेकिन ऊपर वाला उस समय भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करता है कि जिसके आधार पर भविष्य के अंदर उन परिस्थितियों को नियंत्रण किया जा सके। इसीलिए दिल्ली के अंदर भी एक नई शुरुआत, एक नए जंग की शुरुआत जरूर होगी। क्या होगी, कैसे होगी, ये आप देखते रहिए, मुझे तो पता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन चीजों को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मर्यादित शब्दों में रखनी चाहिए और समय आने पर रखनी चाहिए और योग्य व्यक्ति के सामने रखनी चाहिए। इसलिए जहां जिस प्लेटफॉर्म पर यह बात कहनी है मैं वहां तक अपनी बात जरूर पहुंचा दूंगा, लेकिन दिल्ली के अंदर एक नए दंगल की शुरुआत तो अब होनी निश्चित है,
और इस युद्ध का माहौल बड़ा विचित्र होगा और इसके परिणाम तो और भी विचित्र होंगे। और इस घटना को भी आप आने वाले समय के अंदर घटता हुआ जरूर देखेंगे। मेरी इस बात को याद रखिए, दिल्ली के अंदर अब एक नए परिवर्तन का दौर जरूर शुरू होगा और वो दौर क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना बड़ा विचित्र होगा, लेकिन महासंग्राम होना निश्चित है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।